वेलकम टू अवर चैनल माई सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग इन दिनों आपके लिए मॉडल क्वेश्चंस या प्रैक्टिस क्वेश्चंस के वीडियोस बना रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट को भी एक्सप्लोर करिए, www.mysuperbytes.com। वहां पर आपको बहुत सारे नोट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं थॉमस हार्डी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट नावल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। ये नावल बहुत सारे कोर्सेज में प्रिस्क्राइब्ड है और बहुत सारे एग्जाम्स में भी प्रिस्क्राइब्ड है। तो आशा करते हैं आप इस वीडियो के द्वारा बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज वॉज पब्लिश्ड? किस साल में पब्लिश हुई थी? 1886 में। एक्चुअली थॉमस हार्डी एडवर्डियन पोएट और नॉवलिस्ट थे, विक्टोरियन एरा के बाद और मॉडर्न एरा से जस्ट पहले। तो ये जो टाइम है 1886 में इनकी ये नॉवल पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ हेंचर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल? हेंचर्ड जो इसका प्रोटैगनिस्ट है, कई लोग हेंकर्ड भी बोलते हैं, तो ये जो उसका जो प्रोटैगनिस्ट माने जो मेन कैरेक्टर है उसका क्या प्रोफेशन है? तो हेंचर्ड जो है वो हे ट्रूजर है। हे ट्रूजर का मतलब होता है घसियारा है, जो घास काटते हैं। ये पूरी कंट्री साइड की नॉवल है। क्वेश्चन नंबर थ्री, इन द नॉवल हु बाइज माइकल हेंचर्ड्स वाइफ? किसने उनकी वाइफ को खरीद लिया था? तो आंसर है न्यूसन। न्यूसन एक सेलर था। एक्चुअली माइकल हेंचर्ड और उनकी वाइफ और उनकी 3 महीने की बेटी एक विलेज फेयर में गए थे, जहाँ पर हेंचर्ड ने ज़्यादा अल्कोहल पी ली थी और वहाँ उसका मतलब थोड़ा सा वो आउट ऑफ सेंसेस हो गया था और उसने अपनी वाइफ को नीलाम कर दिया। मतलब वहाँ पर उसने अपनी वाइफ को और बच्ची को बेच दिया। और कौन खरीद के ले जाता है? एक सेलर जिसका नाम न्यूसन है। क्वेश्चन नंबर फोर, थॉमस हार्डी सेट्स हिज नॉवल अराउंड अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंग्लैंड। दिस रीजन इज कॉल्ड, कौन से रीजन में ज्यादातर इनकी नॉवल सेट है? वो रीजन है वेसेक्स। इनकी वेसेक्स नॉवल्स के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी पोएम्स का कलेक्शन भी वेसेक्स पोएम्स है। तो वेसेक्स जो एक कंट्री साइड की जो जगह है, उनकी ज्यादातर नॉवल्स उसमें सेट है, मतलब कहानी उसी के इर्द गिर्द है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इन द नॉवल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज हु मैरिड सीक्रेटली एट पोर्ट ब्रेडी? किन दो लोगों ने वहां सीक्रेटली शादी की थी? तो वो है ल्यूसिटा एंड फाफेर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाउ मेनी मनी डिड हेंचर्ड सेल टू हिज वाइफ सूजन इन अफेयर? मतलब कितने पैसे में उन्होंने अपनी वाइफ को बेचा था? जस्ट 5 guineas। मतलब कहते हैं ना 5%, वेरी लेस ऑफ मनी। He sold his wife and child. Question number 7. What was the Michael Henchard's last will after death in the novel? Henchard ne kya will rakhi thi apni? Matlab unke marne ke baad mein wo unki kya ichha thi? To dekhiye kuch points hain, ye main aapko padh ke samjha deti hu. That Elizabeth Jane Fafair be not told of my death. Wo unki beti hai Elizabeth Jane, तो वो यूं कह रही हैं जिन्होंने फाफेर से शादी करी बाद में, तो उनको अपने फादर की डेथ के बारे में नहीं बताया जाए। और मेड टू ग्रीव ऑन अकाउंट ऑफ मी, ना ही वो कोई मतलब उनको कोई दुख हो या उनका उनसे दुख प्रकट करवाया जाए। एंड दैट आई बी नॉट बरीड इन कॉन्सिक्रेटेड ग्राउंड। कॉन्सिक्रेटेड मीन्स स्पेशल ग्राउंड। तो मतलब मुझे कोई इच्छा नहीं है कि मेरी जो कब्र है वो कोई ऐसी जगह बने नोन जगह, जैसे पोइट्स कॉर्नर में सारे पोइट्स की होती है या जो भी। दैट नो सेक्सटन बी आस्क्ड टू टॉल द बेल। देखिए जब भी किसी की मृत्यु होती है क्रिश्चियंस में, तो जो चर्च होती है उसकी बेल टॉल होती है, तो इनके लिए कोई बेल ना बजाई जाए। दैट नोबडी इज विश टू सी माई डेड बॉडी, इनकी डेड बॉडी किसी को भी ना दिखाई जाए। दैट नो मोनर्स वॉक बिहाइंड मी एट माई फ्यूनरल, इनके फ्यूनरल में कोई भी ना आए। That no flowers be planted on my grave, flowers, उनके कब्र पे कोई भी फूल नहीं लगाया जाए। That no man remember me,
कोई भी इनको याद नहीं रखे. टू दिस आई पुट माई नेम माइकल हेंचर. मतलब ये बहुत ही पैथेटिक सी, बहुत ही दुखी सी विल है जो कि हेंचर चाहते थे उनकी मृत्यु के बाद ऐसा हो. क्वेश्चन नंबर 8. आई एम अ मैन टू माई वर्ड. आई हैव केप्ट माई ओथ फॉर 21 ईयर्स एंड नाउ आई कैन ड्रिंक विद अ गुड कॉन्शियंस. If I don't do for him well, I am a fearful practical joker when I choose. These lines have been spoken by Michael Henchard. Actually, जब उनको realize हुआ next morning कि उन्होंने अपनी wife और child को बेच दिया, तो उन्होंने कसम खाई कि वो 21 years तक कोई भी alcoholic drink नहीं लेंगे. तो यहाँ पर जो भी बात कही गई है वो 21 years के बाद की है. Question number 9. I won't be a slave to the past. I love where I choose. Who has spoken this line? ये किसने बोला है कि मैं अपनी पुरानी बातों को भूल के, पुरानी मतलब पास्ट को भूल कर एक नया बनाना चाहती हूँ फ्यूचर के बारे में, और जो मैं चाहती हूँ वही मैं करूँगी. वो ल्यूसिटा ने कहा है, ल्यूसिटा टेम्पलमैन. कि ल्यूसिटा एक तरह से हेंचर्ड की भी गर्लफ्रेंड रही है, उनकी रिलेशनशिप फाफेयर से भी रही है. डोनाल्ड फाफेयर एक अनदर कैरेक्टर है जो काफ़ी यंग है हेंचर्ड से, और जो बाद में जाकर हेंचर्ड की डॉटर जो एलिजाबेथ जेन है उससे भी शादी करते हैं. और इसी डोनाल्ड फाफेयर ने बिजनेस में भी टक्कर दी थी हेंचर्ड को. क्वेश्चन नंबर 10. ओवर दिस रिपेंटेंट सिनर एट लीस्ट देयर वाज टू बी नो जॉय इन हेवन. ही कास्ट हिमसेल्फ लाइक अ लेस स्क्रूपलस जॉब एज अ वेहमेंट मैन will do when he loses self-respect, the last mental prop under poverty. About whom these lines have been spoken? These lines are spoken for Henchard, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा curse करता था, बहुत अपने आप को sinner मानता था और repent करने की कोशिश करता था. तो ये सारी लाइनें Henchard के लिए ही हैं. Question number 11. Who sold his wife and daughter in affair? Of course, Michael Henchard. Question number 12. What was written on the refreshment tent in which Henchard and Susan went? जहाँ पर भी वो गए थे, जहाँ पर जब वो हे ट्रूजर था और जब वो विलेज फेयर में गया था, तो वहाँ पर एक टेंट था, कहने चाहिए कि एक मेले में दुकान थी, वहाँ पे लिखा हुआ था गुड फर्मिटी सोल्ड हेयर. फर्मिटी होता है फर्मेंटेशन से जो ड्रिंक बनती है, जो एल्कोहलिक ड्रिंक फर्मेंट करके बनती है वहाँ. Question number 13. What is the subtitle of this novel? Is novel ka subtitle kya hai? Is novel ka subtitle hai The Life and Death of a Man of Character. Aapko ye yaad rakhna hai ki novel The Mayor of Casterbridge ka subtitle hai The Life and Death of a Man of Character. Question number 14. Happiness was but the occasional episode in the general drama of pain. From which novel of Hardy's it has been taken? Of course, Mayor of Casterbridge. और इसमें कहा गया है कि happiness जो है वो occasional episode है, मतलब कभी कभी खुशी आती है, पर जो अधिकतर life है वो तो गम का drama है, मतलब वो तो बहुत दुख भरी जिंदगी है. और ये Elizabeth Jane ने बोला है. इससे Hardy की philosophy life के बारे में झलकती है कि उनका कहना था कि life में कुछ भी कभी भी हो सकता है, और ज्यादातर घटनाएं दुख की तरफ लेके जाती हैं. क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर हेंचर्ड एंड सूजन आर इंट्रोड्यूस्ड. जहां पे इनका इंट्रोडक्शन हुआ था ये है, जब वापस वो आई थी, वेडन प्रेयर्स. क्वेश्चन नंबर 16. इन द एंड ऑफ द नॉवल एलिजाबेथ जेन इज एक्चुअली द डॉटर ऑफ. एलिजाबेथ जेन किसकी डॉटर निकलती है? वो न्यूसन की. एक्चुअली उनकी खुद की डॉटर की तो 3 महीने बाद डेथ हो जाती है, जिसको उन्होंने न्यूसन को बेचा था. फिर सूजन से जो की जो बेटी होती है न्यूसन से, उसका भी नाम यही रखा जाता है, एलिजाबेथ जेन. जब वो 20 साल बाद वापस लौटते हैं तो उनको लगता है ये मेरी ही बेटी है 18 और 20 ईयर्स बाद. क्वेश्चन नंबर 17. ऑन दिस मॉर्निंग ऑफ द 16th of September टू टेक एन ओथ बिफोर गॉड हियर इन द सॉलम्न प्लेस that I will avoid all strong liquors from the space of 21 years to come, being a year for every year that I have lived. And all this I swear upon the book before me. And may I be struck
dumb, blind, helpless if I break this my oath. This oath is taken by whom? Michael Henchard. जब उन्होंने बेच दिया और दूसरे दिन उठे तो उनको बहुत रियलाइज हुआ, गिल्ट फील हुई और उस टाइम पर उन्होंने कसम ली कि मैं 21 ईयर्स तक ऐसी अल्कोहलिक ड्रिंक कोई भी नहीं लूंगा और अगर लेता हूँ तो मुझे मतलब जो मेरे पाप का भोगी बनाया जाए, या तो मैं गूंगा हो जाऊँ या मैं ब्लाइंड हो जाऊँ, हेल्पलेस हो जाऊँ अगर मैं इस ओथ को ब्रेक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 18, हु इन्वेंटेड सूजन टू मीट एट द रिंग एम्फीथिएटर। हेंचर्ड ने ही सूजन से मुलाकात करी थी रिंग एम्फीथिएटर में। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच सीक्रेट थ्रू द लेटर वाज टोल्ड बाय द सूजन टू हेंचर्ड। कौन सी सीक्रेट बताई गई? ये सीक्रेट की जो एलिजाबेथ जेन जो उनकी खुद की बेटी थी, वो तो 3 मंथ्स के बाद ही उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन ये जो उनके साथ है वो न्यूसन की डॉटर है। क्वेश्चन नंबर 20 ईयर्स अगो अ मैन अ वुमन एंड अ लिटिल चाइल्ड केम टू माय टेंट। At that time, I used to season my fomity with rum for those who asked for it. I did it for the man and he asked for more. ये बात, ये लाइन किसने कही है? ये उस fomity woman ने कही है जो मेले में जिनके पास टेंट था, जहाँ पे इस तरह की ड्रिंक्स बनती थी अल्कोहलिक फर्मेंट करके, उसने इनको बताया कि 20 साल पहले एक आदमी, एक औरत और उनका एक छोटी बच्चा उनके आया था और उसने आदमी ने बहुत ज़्यादा अल्कोहल इनके यहाँ से पी थी, वो फर्मेंटेड ड्रिंक पी थी। तो इस तरह से आपके ये 20 क्वेश्चंस पूरे हो गए और आशा करते हैं आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, ये कंपलसरी है अगर आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।